दोस्तों आज एक बार बात कर लेते हैं आज के इतिहास के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो है अब लेके आया हूँ, हालांकि पहले ही मेरे माइंड में था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब अखबार के माध्यम से जो मैं अखबार पढ़ता हूँ उसके माध्यम से जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, कई अखबार में होता है कि आज का इतिहास ये है, वहीं से आपको देख के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आज का इतिहास तो जान ले। हालांकि जी न्यूज़ आप देखते होंगे जो है DNA में वो आता है आज का इतिहास, लास्ट में वहाँ भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप वीडियो में जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि आज का इतिहास क्या है। ये पहला शायद वीडियो है मेरा, अभी तक इतिहास के बारे में वीडियो में बनाया नहीं है तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट इतिहास के बारे में आपको एक से मैक्सिमम एक मिनट में आपको बता दिया करूँगा, या तो लिख के ही बता दिया करूँगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, मैं अखबार से ही देख के बताऊंगा। हिंदुस्तान अखबार है और आप न्यूज़ चैनलों में भी देख सकते हैं आज का इतिहास वगैरह काफ़ी होता है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, आप सुन लेना। 1705 में औरंगजेब ने अपना अंतिम सैनिक अभियान चलाया था आज के दिन। और दूसरा है जो आज का इतिहास, 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत से रवाना हुआ, आज का ये दूसरा इतिहास है। और जितने भी इसमें इतिहास है मैं वो बता देता हूँ आपको। 1872 में अंडमान में सजा काट रहे शेर अली ने वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। 2002 में अमेरिका स्थित सॉल्ट लेक सिटी में 19वीं शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे आज के दिन। और अगला बता देता हूँ आपको आज का दिन, अच्छा अखबार है यही मैं पढ़ता हूँ स्टार्टिंग से, 2018 फरवरी से। 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी, दिल्ली हाईवे अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी शुरू की गई थी 1986 में, अच्छी बात है आज के दिन। और आज का इतिहास देख लेते हैं, 2005 में इजराइल और फलस्तीन पढ़ना नहीं आ रहा है के बीच संघर्ष विराम की सहमति हुई थी, यानी कि दोनों देशों के बीच कंट्री के बीच में। 1971 में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नास्डैक की शुरुआत हुई थी आज के दिन। 1909 में यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। लास्ट होने वाला है वो यह है कि 1971 में दक्षिणी वियतनामी सेना ने लाओस पर हमला किया आज के दिन। तो दोस्तों ये था आज का इतिहास, और जो ये अगला बता देता हूँ, 1981 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड का जन्म हुआ, इनके नाम 51 टेस्ट में 195 यानी कि 195 जबकि 45 वनडे में 73 विकेट हैं, 7 T20 में उन्होंने 8 विकेट लिए। 1979 है में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था अमेरिका ने, तो ये बड़ा इतिहास है आज का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा ये लंबा हो गया है लेकिन मैं डायरेक्ट ही जल्दी से बता दिया करूँगा, ये थोड़ा इंट्रो वीडियो भी हो गया बीच बीच में। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नमस्कार।